आपने यहाँ फॉर्म पे एक चीज लिखी है, इसका एविडेंस है आपके पास, प्रूफ है, या ऐसी अटेंशन के लिए आपने लिख दिए? यहाँ जो आपने लिखा हुआ है ये इसका प्रूफ है आपके पास? आप पीसीबी की बात करें, हाँ जी, क्या लिखा हुआ आपने? ये जो लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना, और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। आपका शो जो है ये बोल वाले, इनके अंदर इतने गट्स हैं कि दिखा सके? क्या कह रही हो? मैंने बोला आपके जो ये शो है आप लोगों के अंदर इतने गट्स हैं, मेरे पास तो पड़ा हुआ, मैं तो दिखा दूंगा, आप लोग दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, दिखाएं जी। एविडेंस है आपके पास? मेरे पास है। और एविडेंस अगर झूठा निकला या बेबुनियाद मैं वकार जका के सामने बैठ के झूठ बोलूंगी, मुझे पता नहीं मेरी कितनी इंसल्ट होगी। दिखाएं, हम में है हिम्मत हर चीज दिखाने की। बोल ऑलरेडी बहुत चीजें हिम्मत से फेस कर चुका है, ये क्या चीज होगी? क्या होगा सर ज्यादा, क्या होगा, कैसे? आपके पास एविडेंस किस किस्म का मौजूद है? देखिए आजकल मोबाइल फौरन वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, कोई भी मसला होता है। यानी आपके पास वीडियो एविडेंस है? मेरे पास वीडियो है, मैं बोल तो रही हूँ कि आप दिखाएंगे? दिखाएं। पाकिस्तान तभी तो कुछ कर नहीं रहा, हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो इन चक्रों में लगे हुए हैं। ये हरकतें हो रही है हमारे मुल्क में, पाकिस्तानियों की क्लास रहेगी। ये वीडियो कैसे आई आपके पास? वीडियो मैंने खुद बनाई है। कैसे क्या है? आपने खुद बनाई है? हाँ, ये लेकिन मेरी आपकी आवाज दूसरी तरफ कोई और था? वो अपनी उसके लड़की के साथ बात कर रहा है, वो लड़की लगी हुई है फोन पे, वीडियो कॉल पे बात कर रही है उससे, शी इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ये हरकतें हो रही है? नहीं तो रातों के टाइम रोज 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 आप मोबाइलों में नंगे हुए हैं, तो इनको अच्छी बात नहीं, इनको सामने लाके नंगा किया जाए? नहीं, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। देखिए आप जब एक स्टार है ना तो यू आर अ पब्लिक फिगर, योर पर्सनल लाइफ इज पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है? या आप आए ना इस तरफ अगर आपकी पर्सनल लाइफ इतनी है। क्या पता वो इस लड़की के साथ सिंसियर हो? नहीं, सिंसियर नहीं है ना, मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है। आपका कोई फ्रेंड होगा आपको नहीं पता होगा वो किसके साथ है, क्या है क्या नहीं? कौन सा आप? ये है, मैंने तो देख लिया। मैं आप बताए ना, आप समझ तो गए होंगे। आप उन लड़कियों में से जो लोगों के स्क्रीनशॉट लेके एक्सपोज करती फिरती हैं? मैं स्क्रीनशॉट एक्सपोज करने की बात नहीं, आप इस तरह की हरकतें ना करो ना, उसको पता है सब कुछ सामने हो रहा है, एक बंदा फोन में पूरी पूरी रात लगा हुआ नंगा हुआ है, तो उनको सामने भी नंगा करो ना, लाके अपने काम पे फोकस करें ना यार, जो आपका काम है। नंगा तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, लेकिन ये एक किस्म से यही है कि आप यही करें और क्या करें, आप हर टाइम लगे हुए हैं, मतलब आपकी आपको अब देखे ना, अब क्या है पेट निकले इनके बाहर, कोई इनकी कोई फिजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो फोन पे रातों को बैठे हुए फोन पे वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। आप जिम जाएं, आप अपने काम को टाइम दें। एक वो हमारे वो हसन साहब ने शादी कर ली है, वो पागलों की तरह अजीब अजीब तस्वीरें, वो जो हमारा है अभी जो है क्रिकेट प्लेयर, उसने शादी कर ली है। ये हसन तो नहीं था? ये हसन नहीं, वैसे में वो इतनी अजीब अजीब वीडियो लगा रहे, घूम फिर रहे, पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुकी। तो हसन से क्या ताल्लुक है? तो आपको क्या लगता है पैसे ये खुद लेके जाते हैं? फिर तो ये कहाँ से पैसे कहाँ से ले रहे हैं? ये पाकिस्तान की इकॉनमी से पैसे जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं? नहीं, हसन ने क्या किया मैं समझा नहीं। पूरी पूरी वीडियोस, पूरे पूरे गाने चल रहे हैं भाई, पूरे पूरे गाने शूट हुए हैं, गलत है ना? आप क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, और ऊपर से वो भी आप गवर्नमेंट का पैसा लेके लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा कैसे? गवर्नमेंट का ही है, और इनको टिकट। पर्सनल लाइफ नहीं होती क्या? पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करें यार। पर्सनल लाइफ है, लेकिन आप एक स्टार हो तो आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, या आप स्टार ना बनो। अगर आप बन गए हो तो ये पर्सनल लाइफ इज पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आपको ये लोगों को जानना है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आप लोगों को अच्छे काम करके वो करो ना। देखे ना, अब आप दिखा रही हैं, अब हम इसे दिखाएं तो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स का नाम खराब होगा ना यार। क्या नाम खराब होगा, आप एक बात बताएं, ठीक है? आप किसी एक के साथ रहे ना, ठीक है, तो समझ भी आती है। आपने उसके साथ शादी कर ली, आपकी कमिटमेंट है, ये एक के साथ है, पहले एक के साथ फिर उसी की दूसरी दोस्त सेट कर ली, आगे पीछे चले गए दोस्त एक और सेट कर ली, यही सारी चीज चलते रहते ना। अच्छा ये कौन है, इससे दोस्ती करवा दो, ये इनका तो काम ही, इनके साथ कौन लड़कियां सीरियस हो सकती है, लड़कियां भी टाइम पास कर रही। तो ये स्नैपचैट पे मिले थे, इंस्टाग्राम पे मिले थे, कहाँ मिले थे? मेरे पास मेरी तो इंस्टा पे बात भी हुई है, मैसेजेस पे, इंस्टा पे भी बात हुई। हाँ, मैंने इंस्टा पे मैसेजेस भी किए थे, वैसे ही पंगे शंगे लेने के लिए। हो सकता है उसका मैनेजर हो? नहीं, मैनेजर अगर, अच्छा मैनेजर होगा, वीडियो में भी मैनेजर है, जब कॉल आ रही है बात हो रही है या वीडियो है तो वो तो मैनेजर नहीं है ना, थिंक अबाउट इट। लेकिन आप वो हैं जो अपने दोस्तों में यहाँ से वहाँ स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं अपने दोस्तों को समझाती हूँ ये चीज ठीक नहीं है, वो फिर भी कर रहे हैं तो फिर मैं करूँ। लेकिन ये आपको नहीं लगता बीजमालोपन है?
बीच जमालो पना क्या है, एक चीज गलत है उसको सामने लेके आओ ना, लोगों के अंदर गट्स नहीं है ना। लड़की अपने कंसेंट से बात कर रही है ना, लेकिन लड़की के साथ वो कौन सा सीरियस है। अच्छा आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है फिर दुनिया में क्रिकेट में? विराट कोहली। इंडियन प्लेयर अच्छा लगता है यार? इंडियन प्लेयर देखिए, बंदा ना अपनी लुक से अपने काम से बचाना चाहता है। उसने शादी की, कभी देखिए वीडियोस लगा रहे हैं, जैसे हमारे हसन साहब ने पूरा गाना बना दिया, कभी देखे चोर बने। काम को लेके सही है, बीवी जिसने शादी की है वो एक प्रैक्टिकल है, सारी चीजें आराम से करें। ये क्या है इनका यार, ये तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। विराट कोहली की बीवी तो ऑलरेडी फिल्म स्टार है, इसलिए उसको वीडियो बनाने का शौक नहीं है। हसन और उसकी बीवी फिल्म स्टार तो नहीं है, इसलिए उनका दिल कर रहा होगा वीडियो बनाने का। लेकिन आप एक स्टार है ना, तो आप उसी के हिसाब से चलें। आप ये इतने वो मत करें, अपनी आपकी क्लास होनी चाहिए ना। तो आपको लगता है कि हसन या जिसकी अभी आप वीडियो दिखा रही हैं इनकी क्लास नहीं है? नहीं है बिल्कुल, इनको बोलना नहीं आता, करके तो बात करते हैं। यानी हनी ट्रैप करने वालों में से आप लोग, दूसरे को फंसाती हैं, मैसेज करते हैं आप, तीन चार लड़कियों का ग्रुप होगा जो एक मैसेज करके चेक कर रहे होते हैं, हाँ यार ये प्लेयर रिप्लाई देता ही नहीं देता। अगर आप इतनी टेम्पटेशन से किसी को मैसेज करेंगे, आपने क्या मैसेज बोला है? मैंने तो वैसे हाय हेलो हाउ आर यू, मिलने का नहीं बोला। मैंने बोला मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आप कराची में, पता लग जाएगा। देखिए एक फैन भी होता है, तो आपको अपने फैन को एज अ फैन डील करना है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को एज अ गर्लफ्रेंड डील करना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या है। तो अगर आप किसी क्रिकेट प्लेयर को खुद ऑफर मारेंगे मिलने के लिए तो? नहीं मैंने मिलने का नहीं बोला, मुझे पता है वो खुद मिलने का बोलेगा। मैंने बोला मैंने सुना आप कराची में, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं किसी को मिलने का नहीं बोल सकती यार। एक बंदे के बारे में इतनी बातें हैं, सब ने बोला हुआ है कि ये मुझे पता है। जो दूसरी वीडियो आपने दिखाई है वो बंदा आपको वैसे शरीफ लगता है? शक्ल से तो शरीफ लग रहा था बेचारा पहले, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा। लेकिन अब लड़कियां जो है ना, लड़कियां के लड़के भी एक दूसरे से शेयर करते हैं यार ये आपको पता है, हर बंदा आजकल अपनी पूरी हर लाइफ डिस्कस हो रही होती है, ठीक है, तो बताया क्या क्या बातें होती हैं, क्या है इस टाइप का ये तो ये कोई इसके साथ भी कोई सिंसियर नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जिसकी वीडियो दिखा रही हैं पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की जिंदगी तबाह होगी, और प्लेयर अच्छा है वो और हम नहीं चाहेंगे। और ये जो प्लेयर्स बात सुने, एक लड़का है क्योंकि वो एक स्टार है, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, जो वो लड़कियों को लारे लगा के उनकी जिंदगियां बर्बाद करे वो आप लोगों को नजर नहीं। वो तो इमाम की बात कर रही है, इमाम की क्या, ये भी लड़कियों के सीधे लारे लगा के कि मैं आपसे शादी करूंगा, ये वो उनको बेड तक लेके जाके छोड़ दी, इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं, बेड तक ले जाकर ये सारे काम होते हैं ना आजकल, चल क्या रहा है, यही होता है, आप किसी से बात क्यों कर रहे हैं? कैसा लगता है कैसे आपको वैसे ये? नॉट माय टाइप। तो आपकी दोस्त क्यों पागल है इसके पीछे? फेम चाहती है वो, इसके साथ नाम जुड़ जाए। फेम नहीं चाहती, पता है लड़कियों को क्या होता है, वो ना इमोशनली बहुत वीक होती है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, उनको कोई भी बोले प्यार ये वो बोलती है। तो इसने पहले बोला है आपके ख्याल में? तो बोला होगा, तो आजम साहब ने पहले यानी इसको बोला है? हाँ बोला होगा, डेफिनेटली बोला होगा, ऐसे थोड़ी कोई बात। ऐसे कैसे मैं तो कभी भी मेरे मुझे कितने मैसेजेस आते हैं। मुझे शरीफ लगता है ये। हाँ देखिए शक्ल पे ना जाएं आप, नेवर जज द बुक फ्रॉम द टाइटल। एक किताब को कभी भी ना उसके टाइटल से जज ना करें, पहले पढ़ लें अंदर से, ठीक है, फिर उसके बाद पता लगेगा कि अंदर क्या है। लेकिन ये तो तस्वीर का एक रुख देखा ना, हो सकता है लड़की ने पहले बातें ऐसी की हो, खुद ऑफर ऐसी मारी हो कि वो इस तरह वीडियो में आया। नहीं, हिम्मत वाला काम क्या कर सकती है? हिम्मत वाला और से ज्यादा क्या नहीं करा? क्या अभी तक क्या किया? कुछ दे दे सांप नहीं सांप। अच्छा सांप लाओ भाई जी। तो आपने खुद मांगा है इसलिए आ गया है, निकालें जी क्या चीज है। मुंह अपने मुंह में रख लें। नहीं, मुंह उसका आपके मुंह में होना चाहिए।
ठीक है निकालो। आपकी सिलेक्शन सिर्फ एक शर्त पे होगी। किस शर्त पे होगी? जो वीडियो है आपके पास ये आप कहीं नहीं डालेंगे। ठीक है सही है, मैं आपके सामने डिलीट कर दूँ। डिलीट भी कर दें और ये छोड़ दें, ये उस लड़की और उस लड़के का मामला है, हमारे प्लेयर्स हैं, अगर गलती कर भी रहे तो छोड़ दें। ये देख लें मैं सिर्फ आपकी वजह से डिलीट कर रही हूँ। आपकी सिलेक्शन। थैंक यू। जितने भी हमारे प्लेयर्स वहां देख रहे हैं, देखें हम चाहें तो अभी वीडियो दिखा सकते हैं और वीडियो दिखाने से हमारी टीआरपी भी देखें कहां चली जाएगी। मैं नाम भी नहीं बोल रहा, सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन यकीन माने अगर बोल एंटरटेनमेंट अभी चाहे तो सिर्फ ये फुटेज दिखाकर कितने मिलियन व्यूज ले सकता है। रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही शरीफ प्लेयर है जिसके बारे में बात हो रही थी, मैंने वीडियो देखी और मैं खुद हैरान हो गया हूं। हमें कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं करना भाई इसको, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने हमारे प्लेयर्स हैं किसी लड़की को इंस्टा और स्नैपचैट पे, और खासतौर पे पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सही बोल रही थी लड़की, उस वक्त तो मैं नहीं उसके सामने बोल रहा था, गवर्नमेंट का पैसा लगता है इन प्लेयर्स पे, इनको हक नहीं है स्नैपचैट पे हमारी तरह लड़कियों को रिप्लाई देना। हम अपने पैसे कमाते हैं, हमें हुकूमत पैसे नहीं देती, हम आर्टिस्ट अपने पैसे कमाते हैं, हम इस किस्म की चीजें करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई क्रिकेट प्लेयर इस पे हुकूमत पैसे लगा रही है और इतनी लेविश लाइफ इनको मिली हुई होती है, यकीन माने ये एक ऐसा प्लेयर है कि अगर मैं दिखा दूं अभी तो आप हैरान हो जाएंगे और इसका करियर गया, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हमारी टीम का एक सरमाया है, हमारा हुकूमत का पैसा आप पे लगता है, खुदा के वास्ते इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से अपने आप को अलग कर लें, वरना हमेशा के लिए कभी ना कभी आपकी बहुत बेइज्जती होने वाली है।